हेलो एवरीवन, आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मेरे किसी व्यूअर ने मुझसे कहा था कि सर ऐसे सेंटेंस कैसे बनाते हैं कि मेरी बहन के पास कार होगी, मेरे भाई के पास गवर्नमेंट जॉब होगी। उसी के ऊपर मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई है। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग ए क्लास, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अंत तक जरूर देखना। वेरी बहुत ही इंप्रेसिव वीडियो है और आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। शैल वी स्टार्ट द क्लास? सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे टॉपिक को नाम दिया है यूज ऑफ विल हैव और शैल हैव। सो फ्रेंड्स, विल हैव और शैल हैव का जो हिंदी मीनिंग है, पास होगा या रखता होगा, या अन्य शब्द में कहते हैं कि पास होगा या पास होगी, रखता होगा रखती होगी, राइट फ्रेंड्स। और मैंने यहाँ पे लिखा है गाइस, यहाँ पे पोजीशन अधिकार, कि कोई व्यक्ति फ्यूचर की कल्पना कर रहा है कि मेरे पास गवर्नमेंट जॉब होगी, मेरे बहन के पास स्कूटी होगी, तो वो अधिकार दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे फ्यूचर में विल है और शैल हैव का प्रयोग किया है। सो फ्रेंड्स, मैंने लिखा है यहाँ पे शैल हैव का यूज आई और वी के साथ किया जाता है, देन विल हैव का यूज रेस्ट ऑफ अदर बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज किया जाता है, ही सी इट एनी नेम दे और यू के साथ भी विल हैव का प्रयोग किया जाता है। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा है फ्यूचर और यहाँ पे लिखा है टाइम, और मैं आप लोगों को चित्र के माध्यम से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कोई व्यक्ति यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में खड़ा है, कोई व्यक्ति यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में खड़ा है और प्रेजेंट टाइम में खड़ा है और फ्यूचर की कल्पना कर रहा है, इमेजिन कर रहा है कि मेरी बहन के पास गाड़ी होगी, मेरे पास गवर्नमेंट जॉब होगी, मेरी बहन के पास स्कूटी होगी और मेरे बड़े भाई के पास देहरादून में बहुत बड़ा घर होगा। तो वो उस चीज की इमेजिन कर रहा है कि फ्यूचर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो गाइस, मैंने यहाँ पे दो चित्र और बनाए हैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछने के लिए कि आप कैसे इसे अंडरस्टैंड करेंगे, कि कोई ये व्यक्ति इस व्यक्ति से पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे पास कार होगी, क्या तुम्हारे पास दिल्ली में बड़ा घर होगा फ्यूचर के बारे में। अगर आप यस कहते हैं तो आप पॉजिटिव से आंसर देंगे, यदि आप नो कहते हैं तो आप नेगेटिव से आंसर देंगे। एक व्यक्ति, ये व्यक्ति इस व्यक्ति से पूछ रहा है। सो गाइस, यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में कोई व्यक्ति खड़ा है और वो फ्यूचर की कल्पना कर रहा है कि आई विल हैव या आई शैल हैव गुड हाउस, मेरे पास अच्छा घर होगा। सी विल हैव गवर्नमेंट जॉब, उसके पास गवर्नमेंट जॉब होगी। एंड ही विल हैव कार, उसके पास कार होगी। एंड दे विल हैव बाइक, उनके पास बाइक होगी। एंड ही विल नॉट स्कूटी, उसके पास स्कूटी नहीं होगी। सो गाइस, मैंने यहाँ पे पहले सेंटेंस लिखा है पॉजिटिव सेंटेंस, सबसे पहले मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है, देन विल है और शैल है, और फाइनली यहाँ पे क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है। सो गाइस, मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, आप लोग भी मेरे साथ ट्रांसलेट कीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल यहां पे, सी विल हैव कार, उसके पास कार होगी, उसके पास कार होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, यहां पे आई शैल हैव गवर्नमेंट जॉब, मेरे पास गवर्नमेंट जॉब होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहां पे, He will have bike, उसके पास bike होगी। और लास्ट एग्जाम्पल है यहां पर फ्रेंड्स, नैना will have स्कूटी, नैना के पास स्कूटी होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दूसरा सेंटेंस लिखा है, नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे नॉट लगेगा, जो मैंने यहाँ पे लगा रखा है, फर्स्ट सब्जेक्ट विल और शैल के बाद नॉट, देन हैव और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो फॉर एग्जांपल देखिए, आई शैल नॉट हैव कार, मेरे पास कार नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाइस यहां पे, सी विल नॉट हैव
स्कूटी, उसके पास स्कूटी नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है यहां पे, रवि विल नॉट हैव गुड जॉब। रवि के पास अच्छी जॉब नहीं होगी, कब नहीं होगी, फ्यूचर में नहीं होगी। और लास्ट एग्जांपल है यहां पे, ही विल नॉट हैव बाइक, उसके पास बाइक नहीं होगी। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स, मैंने यहां पे नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, इंटरोगेटिव नाम दिया है। सबसे पहले मैंने यहां पे विल और शैल लिखा है, देन सब्जेक्ट, देन है, और फाइनली यहां पे ऑब्जेक्ट लिखा है। लास्ट में जैसे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, विल और शैल की मीनिंग यहां पे क्या आ जाती है, क्या हो जाती है क्वेश्चन पूछने के लिए। तो फॉर एग्जांपल देखिए गाइस, यहां पे विल सी हैव स्कूटी, क्या उसके पास स्कूटी होगी। तो यहां पे मैंने चित्र के माध्यम से आपको बताया था, अगर आप यस कहते हैं तो पॉजिटिव से आंसर देंगे, नो कहेंगे तो नेगेटिव से आंसर देंगे। यस सी विल हैव स्कूटी। नेक्स्ट एग्जांपल है यहां पे फ्रेंड्स, शैल वी हैव गुड हाउस, क्या हमारे पास अच्छा घर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है यहां पर फ्रेंड्स, विल रवि हैव कार, क्या रवि के पास कार होगी, कब की बात की जा रही है, फ्यूचर की बात की जा रही है। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस है यहां पे, विल सी हैव गुड आइडिया, क्या उसके पास अच्छे आइडिया होंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने यहां पे लिखा है इंटरोगेटिव, आई फॉर इंटरोगेटिव और एन फॉर नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट विल और शैल लिखा, देन सब्जेक्ट, नॉट ऐड किया, है, और फाइनली ऑब्जेक्ट लिखने के बाद मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। तो यहां पे शैल और विल की मीनिंग क्या हो जाएगी, क्या नहीं। सो फ्रेंड्स, मैं यहां पे कुछ एग्जांपल देता हूं, आप लोग भी मेरे साथ ट्रांसलेट कीजिए। Will she not have car? क्या उसके पास कार नहीं होगी। Next example है, Will he not have bike? क्या उसके पास बाइक नहीं होगी। और last example है यहां पे, Will Ravi not have good idea? क्या रवि के पास अच्छे आइडिया नहीं होंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने यहां पे विल और शैल हैव का यूज किया है, जिसका हिंदी मीन है पास होगा, लगता होगा, और बड़ी इंप्रेसिव वीडियो है, आप लोगों की समझ में आई होगी। वेल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।